तो अगर आप देखोगे 84 वैकेंसी फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर, बहुत ज्यादा तादाद में आप कह सकते हैं 84 वैकेंसी चाहिए। कहाँ चाहिए, किस तरीके से चाहिए, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द क्राइटेरिया, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे अरेबिक डिपार्टमेंट से आइए, बॉटनी डिपार्टमेंट से आइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितनी वैकेंसी आई है, राइट। तो अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर अरेबिक डिपार्टमेंट की बात करता हूँ या बॉटनी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, तो बॉटनी में आई है 5, कंप्यूटर साइंस में आई है 4, केमिस्ट्री में आई है 2, इकोनॉमिक्स में आई है 7, एजुकेशन दैट इज एमएड राइट आपकी आई है 3, इंग्लिश में आई है 5, फॉरेंसिक साइंस में आई है 5, हिंदी में आई है 4, जर्नलिज्म में आई है 2। तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। मैं धीरे धीरे स्कोर करता चलता हूँ और बोलता भी चलता हूँ ताकि आपको पता चलता है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से भी आपके पास वीडियो आई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 वैकेंसी मांगी है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ साइंस में 5 वैकेंसी है, फिजियोलॉजी में आपकी है 2 और माइक्रोबायोलॉजी में है 3। डिपार्टमेंट ऑफ मलयालम केरला स्टडी में है आपकी 3, मैथमेटिक्स में है आपकी 3, फिजिक्स में भी आपकी है 3, केमिस्ट्री में आपकी है 2, फिलोसफी में है 2, फोटोनिक्स में आपकी है 1, फिजिक्स में फिर द्वारा 4 है डिपार्टमेंट ऑफ द फिजिक्स की तरफ से, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस में जो आपका फिजिक्स आ रहा है उसकी 3 है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्योर फिजिक्स में आपकी कितनी है, 4। और बात करें डिपार्टमेंट ऑफ रशियन में, रशियन की एक लैंग्वेज है, कंपेरेटिव लिटरेचर की भी एक है, संस्कृत की 2 है, म्यूजिक की 2 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी फिजियोलॉजी में 2 वैकेंसी निकली गई है, राइट। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट में आपकी लिख रखी है 2, स्टैटिक्स में 4, उर्दू में 3, और वुमेन स्टडी में 3, और जूलॉजी में 3। तो यहाँ पर आप वैकेंसी है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके भी या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अब मेन मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने इसे हाईलाइटेड कर रखा है। सबसे पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स। अगर आपकी 55% से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। 55% किसके लिए, ये है जनरल कैंडिडेट के लिए, बट अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 50% फॉर द एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए और 55% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। पहली रिक्वायरमेंट है 55%। दूसरी कैटेगरी है कि आपके पास नेट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में भी आप भर रहे हो यहाँ पर उसका आपके पास नेट क्लियर होना चाहिए। जैसे ही आपका नेट क्लियर होगा तो ही आप इसके साथ क्या कर सकते हो, भर सकते हो। ये नीचे रूल और रेगुलेशन जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए दे रखी है, ये दे रखे हैं जिन्होंने जो जुलाई 11, 2009 से पहले करा है। अब उसके लिए आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी जो मैंने देखा है, या मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आई थिंक अब 2009 से पहले वाला इंडिविजुअल या स्टूडेंट जिसने पीएचडी कर रखी है वो अब अप्लाई नहीं करेगा, या फिर वो पहले से कहीं ना कहीं जॉब पे लग चुका होगा। फिर भी अगर अप्लाई करना है तो वो इस बारे में पढ़ सकता है, 5% का रिलैक्सेशन उन इंडिविजुअल को भी मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, अगर आपके सब्जेक्ट में नेट स्लेट या फिर ये नहीं होता है आफ्टर द मास्टर्स प्रोग्राम, तो आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज नेट स्लेट या फिर स्टेट एलिबिलिटी टेस्ट, राइट, अगर आपके सब्जेक्ट में नहीं होता है। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट में होता है तो यू हैव दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेट, राइट। जैसे कि अगर आप मैथ्स में है तो आपको मैथ्स का होना चाहिए, उर्दू में है तो उर्दू का होना चाहिए, सो एन एंड सो फोर। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में आपका नेट होता है तो आपका नेट क्लियर होना चाहिए प्लस 55%, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और बात करते हैं रिम्यूनरेशन की, कितना आपको मनी मिलेगी, तो 42,000 पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेंगे, राइट। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइड में आप देख सकते हो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सब्जेक्ट है फॉरेंसिक साइड। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो साइंस में देख सकते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री है। लास्ट डेट है आपकी 6 मार्च, राइट, यानी कि आज से 3 दिन बाद, थोड़ा लेट हो गया है आई नो, बट स्टिल अभी भी टाइम है, 6 मार्च तक आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको 11 मार्च तक पहुंचाने हैं। तो अगर आप स्पीड पोस्ट भी करते हो तो ज्यादा ज्यादा 3 से 4 दिन लग जाएंगे, ऑनलाइन सबमिशन के बाद भी अगर आप स्पीड पोस्ट करोगे तो भी पहुंच जाएगा, राइट। 6 मार्च है आपके ऑनलाइन सबमिशन का, 11 मार्च है आपके डॉक्यूमेंट को वहां पर पहुंचने का। कैसे अप्लाई करना है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि इस लिंक के ऊपर आपको जाना है, वहां से आपको क्या करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसको भरना है, राइट।
अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखिए सेकंड पॉइंट में लिख रखा है वन सेट ऑफ द प्रिंट आउट टू द कंप्लीट एप्लीकेशन एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड। आपको जो भी आप अपनी कॉपी भेज रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया नेट हो गया या फिर 10th 12th या फिर किसी की भी मार्कशीट भेज रहे हैं, तो आपके पास वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, यानी कि आप खुद अटेस्ट करके भेजेंगे, ना ही किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर ना ही किसी और साइन, आपके सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ समथिंग इज रॉन्ग और समथिंग इज मिसगाइडेड, आई शैल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो वहां पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, कास्ट, कम्युनिटी एक्सपीरियंस, परसेंटेज ऑफ मार्क, टीचिंग या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने पब्लिश कर रखे हो, आपके पेपर, आपके अचीवमेंट, वो आपको फॉरवर्ड करने हैं विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि आपने भरा। कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस ऑल द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मेंशन अबव इन द ओरिजिनल फॉर द वेरिफिकेशन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आफ्टर द इंटरव्यू, तो आपको वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे हैं ओरिजिनल शो करने पड़ेंगे। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, क्या क्या आपको मिलेगा। वैसे इसमें आप कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए कोई TA DA नहीं दिया जाएगा, राइट, कोई भी TA DA नहीं जाएगा टू अटेंड द इंटरव्यू, किसी भी इंटरव्यू के लिए कोई भी TA DA नहीं दिया, या फिर किसी भी प्रकार की आपको मनी की अलॉटमेंट नहीं दी जाएगी। द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट विल बी 1 ईयर, 1 साल तक का आपका अपॉइंटमेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। इट मे पॉसिबल कि अगर उनको लगा कि यू आर यू नो डिजर्विंग कैंडिडेट, तो वो आपका टेन्योर इट मे पॉसिबल कि वो अगले साल तक एक्सटेंड करे। अदरवाइज क्या है कि आपका टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट कितना है, आपका 1 ईयर तक है, ठीक है। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी शैल बी नॉर्मल, क्लोजिंग डेट प्रिस्क्राइब फॉर द रिसीप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, द वैकेंसी नोटिफाई आर एंटिसिपेटरी एंड द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द प्रोसीजर। कुछ भी मिस्टेक्स पाई जाती है, कुछ भी ऐसा लगता है, तो यूनिवर्सिटी के पास वो सारे राइट्स हैं कि उससे वो आपका कैंडिडेचर क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। अपॉइंटमेंट विल बी मेड इन द अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन रोटेशन रूल्स एज पर प्रिस्क्राइब इन द KS एंड द SS, राइट। तो ये जो रिजर्वेशन और रोटेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग ये पर है। ये आपकी आई थिंक शायद मलयालम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई एम नॉट श्योर, राइट। तो इन शॉर्ट आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए उस सब्जेक्ट के अंदर, नेट क्लियर होना चाहिए, तो आप इसको कर सकते हो, राइट। फी का इन्होंने नहीं बता रखा है कि कितना एप्लीकेशन में इन्होंने फी मांगी है, बट आई थिंक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पर कहीं भी लाई कर रहे हैं तो जरूर बनी, जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की 1 वैकेंसी निकली है, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ 1 वैकेंसी है, इसे भरने की कोशिश करें, इट में पॉसिबल कि आपका नाम आ जाए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप बिल्डिंग लॉट्स ऑफ मेमोरीज, दिस इज कैप्टन शॉर्ट। Have a great day. Thank you all.